प्यारे दोस्तों, आज हम किसी क्षेत्रफल का हम भुजा पता करेंगे। लेंथ से कहते हैं हाउ टू फाइंड फाइंड ए लेंथ ऑफ ए स्क्वायर एरिया। मान लो आपके पास कोई खेत है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसका जो एरिया है, एरिया वो हमें दिया हुआ है, क्या कहते हैं, मान लो कुछ भी आप इसका 247.26 ये दिया हुआ है। आपको एक भुजा की लेंथ पूछ रहा है, यानी मान लो कि ए बी सी डी ये चार इसकी भुजाएं हैं। तो हमारे पास तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है एरिया का। एरिया जो है वो लेंथ के स्केयर होता है, ठीक है, या ब्रेथ के स्केयर होता है। दो भुजाओं का आपस में गुणा करने पे हमें एरिया प्राप्त हो जाता है। तो अगर लेंथ पता करना है तो ये स्केयर है, यहां स्केयर रूट हो जाएगा एरिया का। इसका मतलब हमने 247.26 का स्केयर रूट निकालना है। यदि आपको स्केयर रूट आता है तो इसकी क्या लेंथ है उसका साइज आपको पता लग सकता है। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से 247.26 का स्केयर रूट निकाल रहे हैं। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो यहाँ रफ वर्क करते हैं हम, दो है। अगर हम इसको एक के को एक के साथ गुना करते हैं तो एक आता है, दो को दो के साथ गुना करते हैं तो चार आता है। इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा एक। तो यहाँ एक आ गया, 147 उतार लिया हमने, एक को दुगना कर देना, एक गुना दो दो। अब दो के आगे एक लिखना, एक के साथ गुना करना है, 21 आ गया। 147 ज्यादा है, दो के आगे दो लिखो, 44 आ गया, अभी भी ज्यादा है। हमने चार लिखा, चार के साथ करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि 16, 4 में 8 9 96। 5 के साथ करके देखते हैं, 25, 12 13 14 5 5 25, 2 5 में 10 2 12। 6 के साथ करके देखते हैं, 36, 6 में 12 12 और 3 15, 156। ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, ये जाएगा 5 के ऊपर। ये किसके ऊपर गया, 5 के ऊपर। 125 घटा देते हैं, दो दो ऊपर से एक जूट उतार लिया, 26 यहां पॉइंट लगा दिया, 15 दुगना आ गया 30। अब 30 के आगे हम एक लिखते हैं, एक के साथ गुणा करते हैं, 301 आ गया। 30 के आगे दो लिखते हैं, दो के साथ गुणा करते हैं, 6 3 2 6 ये आ गया, 2 2 4 604 आ गया। अभी इसको हम लिखते हैं, बहुत आगे है, 9 9 के ऊपर भेज के देखते हैं, 9 81 9 3 27 27 81 बहुत ज्यादा हो जाता है, नीचे जाते हैं। इसके बाद 7 है, 7 के ऊपर करके देखते हैं, 7 2 7 49 7 21 2149 पे जाएगा। अगर हम इसके ऊपर 8 के ऊपर करके देखते हैं, 8 के साथ 66 24 2464 बड़ा हो जाएगा, 2149 के ऊपर जाएगा, ये 7 के ऊपर गया। 16 में से 9 का ये बताओ बच्चों कितना हुआ, 16 में से 9 7, यहाँ एक आ गया, 11 में से 4 गए हैं, तो आपका 11 में से 4 गए, यहां से बाकी 3, 7 आ गया, और ये आपका बैलेंस है, आपका
जो एरी है लगभग लगभग 15.7 आंसर आता है इसका। इसकी लेंथ है, लेंथ एक लेंथ का जो साइज है 15.7 है। ओके, थैंक यू वेरी मच।